किसी ने क्या खूब कहा है कि अपने गुस्से को काबू में रखिए। गुस्से में लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज का हमारा जो कहानी का शीर्षक है वो है पापा की पसंदीदा कार। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके जरिए देखते हैं कि क्रोध पर काबू करने से क्या होता है। एक मेहनती और ईमानदार नौजवान बहुत पैसे कमाना चाहता था, क्योंकि वह गरीब था और बदहाली में जी रहा था। उसका सपना था कि वह मेहनत करके खूब पैसे कमाए और एक दिन अपने पैसे से एक कार खरीदे। जब भी वह कोई कार देखता तो उसे अपनी कार खरीदने का मन करता। कुछ साल बाद उसकी अच्छी नौकरी लग गई, उसकी शादी भी हो गई और कुछ ही वर्षों में वह एक बेटे का पिता भी बन गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर फिर भी उसे एक दुख सताता था कि उसके पास उसकी अपनी कार नहीं थी। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़कर एक कार खरीद ली। कार खरीदने का उसका सपना पूरा हो चुका था और इससे वह बहुत खुश था। वह कार की बहुत अच्छी तरह देखभाल करता था और उससे शान से घूमता था। एक दिन रविवार का वह कार को रगड़ रगड़ कर धो रहा था, यहां तक कि गाड़ी के टायरों को भी चमका रहा था। उसका 5 वर्षीय बेटा भी उसके साथ था। बेटा भी पिता के आगे पीछे घूम घूम कर कार को साफ होते देख रहा था। कार धोते धोते अचानक उस आदमी ने देखा कि उसका बेटा कार के बोनट पर किसी चीज से खुरच खुरच कर कुछ लिख रहा है। यह देखते ही उसे बहुत गुस्सा आया। वह अपने बेटे को पिटाई करने लगा। उसने उसे इतनी जोर से पीटा कि बेटे की हाथ की एक उंगली ही टूट गई। दरअसल वह आदमी अपनी कार को बहुत चाहता था और वह बेटे की इस शरारत को बर्दाश्त नहीं कर सका। बाद में जब उसका गुस्सा कुछ कम हुआ तो उसने सोचा कि जाकर देखूं कि कार में कितना खरोंच लगी है। कार के पास जाकर उसने देखने पर उसके होश उड़ गए। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, वह फूट फूट कर रोने लगा। कार पर उसके बेटे ने खुरच कर लिखा था, पापा आई लव यू। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से सीखने को ये मिलता है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कोई भी वस्तु आप और आपके अपनों से ज्यादा कीमती या अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए संयम बरतें, धैर्य बनाए रखें, गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी आप सुखी रहेंगे। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स कीजिए कमेंट्स बॉक्स में और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।